Hey, this is Dr. Renu, MBBS skin, media and hair transplant surgeon, trichologist and cosmetologist, ex-resident Dr. Ames and ex-resident Dr. Adesh University and ex-consultant CHC Delhi and ex-consultant GHK Gurgaon. We are here to deal with all type of skin diseases and all type of hair problems. हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं अशोक का रिव्यू। आज हमारे साथ है द न्यू ब्रेजा अलेक्साई सीएनजी। जानेंगे इस वीडियो में इस गाड़ी में आपको क्या फीचर देखने को मिलती हैं, साथ ही इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगी मात्र 40,000 रुपये की कंपनी फिटेड एसेसरी। जानेंगे इस वीडियो में। वहीं बात किस गाड़ी के हेडलाइट की, जो कि आपको नॉर्मल हैलोजन सेटअप के साथ देखने को मिलेंगे, हाई और लो बीम के साथ साथ में आपको टर्न इंडिकेटर, नीचे की तरफ आपको एलईडी में फोग लैंप देखने को मिलते हैं, जिसके लिए आपको 6,000 रुपये अलग से पे करने होंगे। सामने की तरफ आपको काफ़ी मस्कुलर लुक देखने को मिलता है। क्रोम की फिनिशिंग के साथ आपको मारुति सुजुकी का लोगो, ब्लैक कलर में एयर वेंट ग्रिल, काफ़ी तगड़ा बोनट डिज़ाइन पैटर्न देखने को मिलेगा। दो वाइपर, 1790 mm इस गाड़ी में आपको चौड़ाई देखने को मिलती है। वहीं बात किस गाड़ी के लेंथ की, जो कि आपको मिलेगी तकरीबन 3995 mm इस गाड़ी में आपको लंबाई, 1685 mm इस गाड़ी में आपको हाइट, 2500 mm का इस गाड़ी में आपको व्हील बेस देखने को मिलता है। फ्रंट टायर साइज 215/60 R16 टायर साइज के साथ आपको स्टीलियम देखने को मिलेगा। आगे की तरफ आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। आउटडोर ORVM आपको बॉडी कलर के साथ देखने को मिलते हैं, साथ ही में आपको टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा। डोर हैंडल वो भी आपको बॉडी कलर के साथ देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ आपकी क्रोम साइड मोल्डिंग, जिसके लिए आपको 2,500 रुपये पे करने होंगे। साथ में आपकी विंडो फ्रेम किट, इसके लिए भी आपको 2,500 रुपये अलग से पे करने होंगे। 215/60 R16 टायर साइज के साथ आपको स्टील रिम देखने को मिलता है रियर में आपको, साथ में आपको ऊपर की तरफ शार्प लुक एंटीना, काफ़ी मस्कुलर लुक देखने को मिलता है। रेंज रोवर विलार से आप कंपेयर कर सकते हो। रोड प्रेजेंस गाड़ी की काफ़ी शानदार, काफ़ी मस्कुलर लुक देखने को मिलेगा। शार्प लुक एंटीना, स्पॉइलर, साथ में आपको हाई मोटो स्टॉप लैम्प, सीएनजी के बेजिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको रियर वाइपर आपको नहीं देखने को मिलता है, मारुति सुजुकी का लोगो ब्रेजा की बैजिंग के साथ। वहीं बात किस गाड़ी के टेल लाइट की, जो कि आपको एलईडी सेटअप के साथ देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको रात के अंधेरे में देखने को मिलेगी। 1790 mm इस गाड़ी में आपको चौड़ाई देखने को मिलती है, साथ में आपके दो रिफ्लेक्टर। वहीं बात किस गाड़ी के बूट स्पेस की, जो कि आपको अच्छा खासा इस गाड़ी में आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है, साथ में आपकी पार्सल ट्रे, जिसके लिए आपको 1700 रुपये अलग से पे करने होंगे। 55 लीटर की आपकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ आपको स्पेयर व्हील आपको सेम टायर साइज में देखने को मिलेगा। वहीं बात किस गाड़ी के सीएनजी किट, जो कि आपको यहां पर देखने को मिलती है, काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ अच्छी खासी इस गाड़ी में आपको माइलेज भी देखने को मिलेगी। 5 डोर के साथ 5 सीटिंग कैपेसिटी, 2 सीटिंग रो इस गाड़ी में आपको देखने को मिलती हैं। प्रॉपर इंसुलेशन के साथ, कहीं भी कंपनी ने कोस कटिंग नहीं किया। वैल्यू फॉर मनी के साथ आपको गाड़ी देखने को मिलती है। रियर टायर साइज 215/60 R16 टायर साइज के साथ आपको स्टील देखने को मिलता है। सिंगल टोन में आपको इंटीरियर देखने को मिलते हैं, बर्बर के फीचर इस तरफ आपको देखने को मिलते हैं। विंडो के पावर, ग्रैब हैंडल, यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है। लॉक अनलॉक के साथ बोटो होल्डर के स्पेस, साथ में आपके स्पीकर के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। वहीं बात किस गाड़ी की सीट पर अपोर्ची की, जो कि आपको फैब्रिक देखने को मिलते हैं, लेकिन ये आपके आर्टी लेदर है, जिसके लिए आपको 9,000 रुपये अलग से पे करने होंगे। अच्छा खासा इस गाड़ी में आपको थाई सपोर्ट मिलता है। ऊपर की तरफ आपको कंफर्ट के मामले में आपको कहीं भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। साथ में आपके एसी वेंट के कंट्रोल, यहाँ पर आपको ग्रैप हैंडल, लॉक अनलॉक के साथ मोटर होल्डिंग के लिए स्पेस भी देखने को मिलेगा। 5 डोर के साथ 5 सीटिंग कैपेसिटी, 2 सीटिंग रो इस गाड़ी में आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही इस गाड़ी में आपको 2 एयरबैग, 1 ड्राइवर साइड मिलता है, 1 पैसेंजर साइड। यहाँ पर आपको 4 कप होल्डर के लिए स्पेस देखने को मिलता है। विंडो के पावर और ORVM कंट्रोल के साथ देखने को मिलेंगे। 1 टच डाउन, 1 टच अप के लिए ग्रैप हैंडल, हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है इस तरफ आपके लॉक अनलॉक के लिए। नीचे की तरफ आपके स्पीकर के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, साथ में आपको वहीं बात इस गाड़ी की की, जो कि आपको इस तरह देखने को मिलेगी मैनुअल की, लॉक अनलॉक के साथ। वहीं बात किस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट एडजस्टमेंट की, जो कि आप 4-way मैनुअली सीट एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके ट्रैक्शन कंट्रोल,
या इसी वेंट के कंट्रोल। डी कट में आपको स्टेयरिंग देखने को मिलता है मारुति सुजुकी का लोवो क्रोम की फिनिशिंग के साथ। इस तरफ आपके इंडिकेटर के कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें जो कि आपको एनालॉग ही देखने को मिलता है। एवरेज फ्यूल कंजप्शन डिस्टेंस लो फ्यूल वार्निंग 2000 वार्निंग के साथ। स्टीरियो इस गाड़ी में आपको नहीं देखने को मिलेगी, इसकी कमी आपको जरूर देखने को मिलेगी 2000 वार्निंग। एयर कंडीशन आपको मैनुअल ही देखने को मिलता है। साथ में आपके 12 वोल्ट का शॉक कट, 5 गियर मैनुअल गियर लीवर, मैनुअल हैंड ब्रेक, कप होल्डर के लिए स्पेस भी देखने को मिलता है। अच्छा खासा गाड़ी में आपको थाई स्पोर्ट मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको मैनुअली ORVM, सनवाइजर पर टिकट होल्डर देखने को मिलते हैं। इस तरफ आपकी एयरबैग की वेजिंग, नॉर्मल आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। वहीं बात किस गाड़ी के इंजन की, तो चलिए चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की ओर। वहीं बात किस गाड़ी का इंजन, जो कि आपको मिलेगा तकरीबन 1462 cc इंजन, 4 सिलेंडर इनलाइन 4 वैल्व सिलेंडर DOHC के साथ। इंजन टाइप K15C, फ्यूल टाइप की बात करें CNG 55 लीटर की। इस गाड़ी में आपकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी। मैक्स पावर 87 BHP की पावर, मैक्स टोर 121 Nm का टोर्क देखने को मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।